हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गजरा ड्रेस डिज़ाइन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिक्स टू सेवन ईयर बेबी के लिए पार्टी वेयर ड्रेस। तो उसके लिए हमने ये मटेरियल लिया है 1 मीटर, और ये मटेरियल हमने लिया है 2.5 यानी 2.5 मीटर। और इसके अलावा ये हमारे पास एक इसका इनर टॉप के लिए जो है पीस रखा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हम इसका जो है ऊपर का पेटी का पार्ट कट कर लेते हैं। ये हमने डबल पे इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है, और इसकी चौड़ाई तकरीबन है 16 इंच इस तरह से। और इसको हमने जो डबल पे लेकर इस तरह से फोल्ड कर दिया है, 4 फोल्ड पे रखा हुआ है। अब हमको शोल्डर लेना है। शोल्डर है 11, तो 11 का हमने हाफ़ कर लिया, 5.5 इंच इस तरह से देखिए। और लंबाई में हमको 6 इंच लेना है, 1/2 इंच शोल्डर में चला जाता है सिलाई में। तो ये हमने लेंथ में चौड़ाई 5.5, लंबाई हमने 6 ले लिया। और इस तरह से अगेन हम इसके चौड़ाई लेंगे 5.5 इंच, 5.5 इंच, और इसको हम जो इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, अब हमको इसमें चेस्ट लेना है। तो चेस्ट 25 के तकरीबन है, तो जितना भी है चेस्ट उसका 4th पार्ट, और उसमें आप 1.5 या 2 इंच प्लस कर दीजिए, 8 इंच। उसके बाद हम लेंगे कमर, कमर जितना शोल्डर है उतनी लंबाई लेंगे, 11 इंच पे हमने मार्क किया। कमर हम ले लेंगे इसकी 7 इंच, इसकी हमको लंबाई इस तरह से रखना है 17 इंच। तो और ये इस तरह से बस अब इसका सेंटर पार्ट लेंगे, और इसको हम जो है इस तरह से मिला देंगे। और इसकी नेक की चौड़ाई हमने लिया है 2.5 इंच, यहाँ से 1/2 इंच नीचे की तरफ लेकर, और ये मार्क को हम इस तरह से मिला देंगे इस तरह से। और नीचे से यहाँ से हम थोड़ा सा गोलाई में इस तरह से ऊपर ले लेंगे 1/2 इंच। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें हम फ्रंट नेक की जो है मार्क कर लेते हैं। चौड़ाई हमने 2.5 लिया था, और इसका लेंथ हम ले लेते हैं 4.5। इस तरह से हमने 4.5 पे ले लिया। अब इस मार्क को हम मिला देंगे। फ्रंट नेक हम कट कर लेंगे, और बैक पर भी हम मार्किंग कर लेते हैं। बैक नेक की कटिंग के लिए 2.5 पे हमने मार्क किया इस तरह से, और लेंथ हम लेंगे इसको क्रॉस में 6.5 इंच, 6.5 इंच पे हमने मार्क कर दिया। और यहाँ से क्रॉस ही हम इसको इस तरह से रख के इस मार्क को हम मिला देंगे। अभी हम फ्रंट नेक पर ये पार्ट रखेंगे, सीधे के ऊपर ये कपड़ा रखेंगे इस तरह से, और ऊंधी तरफ से हम इसको सिलाई करके टर्न कर लेंगे। एज इट इज़ हम बैक पार्ट के साथ भी करेंगे। ये बैक पार्ट इस तरह से है, देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी हम कपड़ा रखेंगे। सीधे के ऊपर हम इस तरह से कपड़ा रखेंगे, और इसको भी जो है हम सिलाई करके टर्न कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसका फ्रंट और बैक बना लिया है, ये देखिए इस तरह से। और हमने इसके शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं। अब हमने ये वाला जो मटेरियल लिया हुआ था, ये हमने 2.5 मीटर का पीस लिया हुआ है, और ये देखिए चौड़ाई इसकी 24 इंच है। अब इस 2.5 मीटर के पीस को हमने आधा आधा कर लिया, तो हाफ़ पार्ट आगे जो है लग जाएगा, और हाफ पार्ट पीछे लग जाएगा इस तरह से, देखिए। तो हमने इसको एक तरफ से पैक ही रखा है इस तरह से, और एक तरफ से हमने इसको ओपन है ये। इसको प्लेट से कैसे लेंगे आप, इस तरह से आप इसको सीधी पेटी पे इस कपड़े को आप ऊंधे की तरफ रखेंगे, और इस तरह से आप इसमें प्लेट्स लेंगे, देखिए फ्रेंड्स। और प्लेट्स आपको ऐसे लेना है कि पूरी जो पेटी है इसकी कवर हो जाए इस तरह से। जितना भी कपड़ा है उतना भी इसमें यूज़ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको पूरे प्लेट लेना है, और इसको टर्न कर देना आगे पीछे दोनों तरफ। फ्रेंड्स, ये हमने इसमें इस तरह से चुन ले लिए, प्लेट्स ले लिए आगे पीछे दोनों तरफ। अब यहाँ जो हमने बैक नेक बनाया था, इस बैक नेक में हम जो है पट्टियाँ लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने पट्टी बनाई हुई है। पट्टी हमने कैसे बनाई, हमने 1.5 इंच चौड़ा इस तरह से कपड़ा लिया है, इसको इस तरह से एक तरफ से फोल्ड किया, अगेन इधर से भी फोल्ड किया इसको, और फिर जो है हमने इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड कर दिया, और यहाँ पर सिलाई लगा ली। ये इस तरह से फ्रंट और बैक का नेक शोल्डर अटैच कर हमने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया हुआ है। अब यहाँ पीछे हमको ये पट्टी लगानी है, तो ये आप इस तरह से देखिए, इसको यहाँ पर रखेंगे अंदर की तरफ, और इसको बढ़ता हुआ पार्ट जो अंदर तक चला जाए इतना कट कर लेंगे, और यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। अगेन दूसरी पट्टी हम कट करेंगे और यहाँ पर रखेंगे, और फिर
ये बढ़ता हुआ पार्ट अंदर की तरफ जाने देंगे। इस तरह से हम इस पर 3 पट्टी जो है अटैच करेंगे और सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से शोल्डर से स्टार्ट करते हुए पूरा हम आगे से पूरा कंप्लीट करते हुए यहीं पर रुक जाएंगे। और ये जो पार्ट अंदर की तरफ जा रहा है इसके ऊपर हम हुक और यहाँ पर आई बनाने वाले हैं। और ये आइट साइड से हम फिटिंग लेकर यहाँ से जो है फिटिंग का जितना भी साइज हो उतना साइज लेकर हम यहाँ से सिलाई करके पूरा नीचे तक दोनों तरफ से नीचे तक हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर की जैकेट कटिंग कर लेते हैं। तो हमने ये 1 मीटर का पीस लिया हुआ था, उसको हमने इस तरह से क्रॉस में से क्रॉस करके 4 फोल्ड पे रख लिया। जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे इसको हमने इस तरह से रख लिया फ्रेंड्स। और यहाँ से जो है हम इसको मार्क करेंगे, यानी कि हमारा शोल्डर 11 है तो इसको हम 5.5 पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। बस अब ये पार्ट कट हो जाएगा इसका। और यहाँ से हम गोलाई में नीचे मार्क करेंगे, जितनी हमने पेटी की लेंथ लिया हुआ है उससे 1 इंच बढ़ता हुआ हमको जैकेट लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे तो 6 इंच तो ये हमारा यहाँ से कट हो गया। और हमारी जो है लेंथ पेटी की 16 है तो 17 या 18 इंच आप ले सकते हो। तो इसके अलावा आपको लेना है, यहाँ पर हम मेजर टेप रखेंगे और नीचे तक 25 पे हम मार्क करते हुए जाएंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, तो ये 25 पे हमने रखा और पूरा गोलाई में 25 25 मार्क करते हुए जाएंगे। इस तरह इन मार्क को हम मिला देंगे। चलिए अब ये वाला हम कट कर लेते हैं और हम ये भी कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बिल्कुल जैसा हमने इसके पहले पैटी कट किया था बिल्कुल वैसे हमने मेजरमेंट किया है। ये हमने यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच लिया है, शोल्डर के हाफ का हमने स्क्वायर बनाया, ये ऊपर से नीचे तक हमने 6 इंच लिया हुआ है। और चेस्ट भी हमने उतना ही लिया जितना उसमें लिया था, 25 इंच उसका हाफ किया और 2 इंच प्लस कर दिया। और ये बीच में से हमने यहाँ पर शोल्डर का मार्क कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये बैक नेक भी हमने कट किया हुआ है इस तरह से 2.5 इंच चौड़ाई और लंबाई इसकी हमने ली है 3 इंच। और यहाँ से आर्म होल के नीचे से हम जो है थोड़ा सा कमर का शेप दे देंगे इसको। तो जितना हमने पेटी में कट किया था उस हिसाब से हम यहाँ पर भी हमने 8 8.5 इंच की चौड़ाई यहाँ से लेकर और गोलाई करके हमने इस गोलाई को नीचे की तरफ जो है मिला दिया हल्का। ये हम इस तरह से इसके दोनों शोल्डर अटैच कर लेंगे। और फिर हमने ये 1.5 इंच चौड़ी क्रॉस में पट्टी काटी है, तो ये हम आगे से पीछे तक पूरे नेक में और ये आर्म होल में भी पाइपिंग कर देंगे इसके। और यहाँ से इसको हम साइड को पैक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी होने के बाद हम इसके ऊपर ये इस तरह से नेक का पेच लगाएंगे। ये हमने आर्टिफिशियल लिया है ये मार्केट से। और इसको इस तरह से रख के हम इसको हैंड स्टिच करेंगे, हाथ से पूरा हम इसको जो है फिलहाल इस तरह से अटैच कर देंगे। और उसके बाद नीचे की तरफ जो है हम इस तरह से ये पट्टी लेंगे। ये पट्टी हमने डबल पे ली है 2 इंच, ये लाइए। और इसकी लेंथ जो पूरी है 90 इंच है, ये 2.25 मीटर की इसकी जो है लंबाई है। इसको हमने इस तरह से लिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको दूर दूर प्लेट से लेके और सिलाई कर लिया है। और इस तरह से हमने इसको सीधे ड्रेस पर रखा हुआ है, देखिए सीधे इस तरह से सीधे पे आप रखोगे और बस इसको इस तरह से सिलते जाएंगे आप। और सिलने के बाद आप इसको इस तरह से टर्न करके जो है दाब सिलाई लगाएंगे इस तरह से, तो ये हमारा जैकेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा ड्रेस बनकर बिल्कुल रेडी है। और ये इसका नेक हमने लगाया हुआ इस तरह से, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखिए इसका जैकेट, और इस तरह से हमने नीचे की तरफ भी जो है इसमें सटन पट्टी लगाया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, बिना जैकेट के ड्रेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखिए इसका बैक साइड भी बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको विदाउट जैकेट भी वेयर कर सकते हैं। जैकेट पहनने के बाद ही बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए इस तरह से इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।